दांडी के टर्निंग पे अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे दो दोस्तों का जो जोश में आगे निकल गांधी जी के तीन बंदर सत्याग्रह में जाते हुए। ये वो स्पॉट है जहाँ पर गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह को सॉल्ट पिक करके तोड़ा था। Hello to all you lovely people out there. Ashish here. Good morning and welcome to my channel. I hope you all are doing great. I'm doing great as well. और सुबह के बजे है 6, हम निकले हैं, उसके पहले थोड़ा सा मिरर एडजस्ट कर लेता हूँ। सो हम निकले हैं एक राइड पर, एक लंबा राइड बोल सकते हैं बिकॉज वन वे 200 किलोमीटर्स कवर करने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं सब आपको बताएंगे, थोड़ा वेट कीजिए। पेट्रोल जो है कल ही मैंने भरा दिया था और आज जो है डायरेक्ट निकलेंगे। टोटल हम तीन जन हैं, मैं, शैलेंद्र और अश्विन, और साथ में सचिन हमें ज्वाइन करेंगे विरार टोल के यहाँ पे। सचिन को आपने हमारे सूरत वाले व्लॉग में देखा होगा, तो वो हमें ज्वाइन करेंगे। टोटल जो आज का डिस्टेंस कवर करना है वो 400 किलोमीटर्स, 200 जाने का और 200 आने का। तो चलिए फटाफट इस ट्रैफिक से निकलते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और सुबह सुबह इतना सारा ट्रैफिक, अरे बाप रे। यहाँ तो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, आई गेस ये घोड़बंदर का ट्रैफिक है जो यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। और इसी रीज़न से देखिए मेरे लेफ्ट साइड पर कुछ अक्ल के दुश्मन जो है वो लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, लेकिन इसी वजह से क्या हो रहा है कि एक्सीडेंट का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। तो ये अवॉइड करना चाहिए, अगर जाम है तो रुको बट लेफ्ट साइड करके दूसरे की जान को खतरे में मत डालो। 20 मिनट वेट करने के बाद फाइनली सचिन आ गए हैं, तो चलिए आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पहले तो महाराष्ट्र का बॉर्डर जो है वो क्रॉस करना है, तो फटाफट दहानू पहुँचते हैं। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं, बट स्टिल मुझे बोलना है। तो एक्चुअल में हम जा रहे हैं दांडी की तरफ, वहाँ पे जो है सॉल्ट सत्याग्रह म्यूज़ियम है। तो दांडी ये प्लेस है जहाँ पर जो है सॉल्ट सत्याग्रह का जो मूवमेंट था वो वहाँ पर एंड हुआ था, तो उधर देखने जाते क्या है करके। तो फाइनली ट्रक्स की जो ट्रैफिक है थोड़ा कम हो रहा है, तो ये देख के अच्छा लग रहा है, रोड भी खाली मिल रहा है, तो थोड़ा माइंड फ्री करके मेडिटेशन करते हैं, इन शॉर्ट राइड करते हैं। पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ट्रक का ट्रैफिक कम हुआ है बट अभी फिर से बढ़ चुका है। कहाँ पता नहीं ये ट्रक कहाँ जा रहे हैं। और वैसे ये ट्रक्स को लेफ्ट लेन में ड्राइव करना होता है एज़ पर रूल, बट ये तो पूरे रोड पर फैल कर ड्राइव कर रहे हैं जिससे कि ट्रैफिक जो है ऑब्स्ट्रक्ट होता है। और लेन ड्राइविंग का तो डिसिप्लिन कोई फॉलो नहीं करता इंडिया में, तो उसके बारे में बात करके कुछ मतलब भी नहीं है। जिस ऑब्स्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा था उसका लाइव एग्जांपल अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं। तीनों जन तीन लेन पे भाई अपने अपने गाड़ी को चला रहे हैं, ट्रक को चला रहे हैं, और पीछे से आने वालों को जगह नहीं दे रहे। अभी ये भाई साहब थोड़ा आगे निकल गए, अब भी आगे निकलते हैं इनसे, बिकॉज ट्रक के आजू बाजू में चलाना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। वैसे तो इस रोड का खड्डा थोड़ा बहुत भर चुका है बट पता नहीं आगे कैसा होगा रोड करके। और ये रोड पे भी अभी भरोसा नहीं रहा है, एकदम बकवास हो चुका है, कहीं भी पॉटहोल कहीं पर भी है जिससे कि रिस्क जो है राइडिंग का बढ़ जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा ध्यान रखकर बाइक चलाना पड़ता है। अभी हम महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और गुजरात एंटर कर लिया है। यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है हमारा आज का डेस्टिनेशन, तो थोड़ा देर टाइम पास करेंगे, पानी पियेंगे एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे। महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एग्जैक्टली हमारा जो है
हाफ जर्नी कंप्लीट हो चुका है, 100 किलोमीटर्स डन, मोर 100 किलोमीटर्स टू गो। सो चलिए लेट्स कंटिन्यू आर राइड। मिरर फिर से एडजस्ट करना पड़ रहा है बिकॉज मैंने हेलमेट रखा था एंड उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। और एक बैड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि गुजरात का जो रोड है जिसकी मैं हमेशा तारीफ करते रहता था, कहता था कि ये बटर स्मूथ रोड है, वो बटर स्मूथ नहीं रहा। यहाँ पर भी बहुत सारे खड्डे बढ़ चुके हैं। तो गुजरात भी ट्रैवल कर रहे हो तो ध्यान रखिए बिकॉज यहाँ पर भी बहुत सारे पॉट होल्स हैं। ये मसाला डोसा ये खाने वाला है और ये मेदू वड़ा मैं खाने वाला हूँ। ओके सो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से जो दांडी का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर्स बचा है, तो पहले अभी 5 किलोमीटर्स या 15 किलोमीटर्स के बाद एक लेफ्ट आने वाला है जो हमें सीधा दांडी की तरफ ले जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कहाँ पर है वो लेफ्ट और पहुँचते हैं सॉल्ट सत्याग्रह म्यूजियम। दांडी के टर्निंग पे अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे दो दोस्तों का जो जोश में आगे निकल गए, शायद से राजस्थान पहुंच गए होंगे, लेकिन हमें जो है दांडी जाना है तो अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, उनका वेट कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से। आ गए महारथी लोग। तो फाइनली एक घंटे के ब्रेक के बाद हम अपना जर्नी को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अभी पहुंचते हैं दांडी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सॉल्ट सत्याग्रह म्यूजियम। चलिए अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो चलिए Mahatma Gandhi broke the salt law by taking a pinch of salt from the coast of Dandi village. So, ये है हिस्ट्री सॉल्ट सत्याग्रह का, दांडी का, जो सचिन ने आपको पढ़ के सुनाया। अभी आगे जाते हैं और म्यूजियम और देखते हैं। Let's understand the impact of सत्याग्रह throughout the world. फिर से सचिन हमको पढ़ के सुनाएंगे। अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी बुक्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ट्राइड द वेपन ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह फॉर सिविल राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल इन अमेरिका इन 1960। ऑन 28th August 1963, मोर देन 2.5 million पीपल ऑर्गेनाइज द हिस्टोरिकल मार्च इन वॉशिंगटन इन सपोर्ट ऑफ द फाइट अगेंस्ट एपार्टाइड, वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स ऑफ विच वर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब।
खादी भंडार में आपको खादी से रिलेटेड हर एक चीज मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इवन गांधी जी के लाइफ के बारे में बुक्स अवेलेबल है यहाँ पर, आप वो भी खरीद सकते हैं। अगर आपको खरीदना नहीं है और पढ़ना है तो लाइब्रेरी भी एक छोटा सा, वहाँ पर आप बैठकर आराम से बुक्स पढ़ सकते। अभी हम वो पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ पर दांडी में सॉल्ट सत्याग्रह का एंड किया था गांधी जी ने, तो चलिए अभी वहां जाकर वो देख लेते हैं। गांधी जी जहाँ जहाँ रुके थे ये वो स्थान। जैसे यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे दांडी मार्च का जो रेवोल्यूशन है उसके बारे में बताया गया है। आपको बताया गया है कि कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इसमें, इस दांडी मार्च को सक्सेस बनाने के लिए, जो सॉल्ट सत्याग्रह है उसको सक्सेस बनाने के लिए जो जो लोग इन्वॉल्व थे उसके बारे में सब लिखाया हुआ है। क्या भाई, ये हिंदू और मुसलमान फार्मर लोग ने बुलक कार्ट से ब्रिज बनाया रिवर पे क्रॉस करने के लिए। ये पत्रकार वो था जिसने बोला था कि मैं पूरा जो मार्च आपका ना शूट करूंगा, वो ये सीन। और से गाड़ी भी उसका ही था, वो उसी गाड़ी पे खड़े थे, उसे पूरा शूट किया था गांधी जी का पूरा मार्च। तो इसमें मतलब वो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक का ये किया था, शूट। सॉल्ट सत्याग्रह का कंप्लीट जो हिस्ट्री है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। जैसे आप एंटर करते हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है एंटायर इवेंट्स जो भी है हिस्ट्री का। और अभी जो आप देख रहे हो वो सब जो लोग हैं पार्टिसिपेट किए थे, 80 लोग जो थे सॉल्ट सत्याग्रह में, उनका पुतला है। गांधी जी के तीन बंदर सत्याग्रह में जाते हुए। ये वो स्पॉट है जहाँ पर गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह को सॉल्ट पिक करके तोड़ा था, तो दिस इज एन हिस्टोरिकल स्पॉट। फिर
सो सॉल्ट सत्याग्रह म्यूजियम का टूर जो है आज अभी ख़त्म हो चुका है। अभी जो है हम घर की तरफ निकलेंगे, दांडी बीच नहीं जाएंगे, बिकॉज बीच वो नॉर्मल बीच जैसी है, कुछ हैपनिंग या कुछ अच्छा है नहीं वहाँ पर, एक नॉर्मल बीच जैसी है, इसलिए हम डायरेक्टली खाना खाएंगे एंड देन घर के लिए निकल जाएंगे। तो चलिए बाइक पर म्यूजियम घूम के तो मज़ा आ गया। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, बीच में कहीं खाना खाने के लिए रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 3:30 हो चुका है, 3 o'clock हो चुका है सॉरी। तो अभी यहाँ से निकलेंगे एंड देन आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे घर के लिए, लेकिन उसके पहले जो है पेट पूजा करेंगे, अपना भी और बाइक का भी, बिकॉज दोनों भी भूखे हैं। और सच बोलूँ तो म्यूज़ियम जो है वर्थ अ विजिट है, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री। तो अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है तो डेफिनेटली यहाँ पर आके विजिट कीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाएगा। हाईवे पहुंच चुके हैं और हमने डिसाइड किया कि हम गुजराती थाली खाएंगे महादेव होटल में। लास्ट टाइम जब मैं सूरत आया था तब मैंने खाया था, तो मैंने सोचा कि इनको भी आज वो टेस्ट करा दूं, बिकॉज वो बहुत टेस्टी था। और ये आ गया हमारा गुजराती थाली, चलो खाने पे टूट पड़ते हैं। पिछले आधे घंटे में यहाँ पर जो भयंकर बारिश हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता, खतरनाक वाला थंडर और लाइटनिंग हो रहा था। देखिए पानी पूरा भर चुका है यहाँ पर, लेकिन जो बारिश हुई है माय गॉड इट वाज टेरिफाइंग एक्चुअली। इसके लिए हम वेट कर रहे थे, खाना तो हमारा कप का खागे हो गया था, बट बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो इसलिए हमें जो है रुकना पड़ा। क्या है कि जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना ज़्यादा लेट होगा, और एक बार अंधेरा हो गया तो विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो जितना लाइट है, डे लाइट अवेलेबल है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी रुक, तो कितना भी बारिश है बाढ़ आए लेकिन अभी घर पर जो है पहुँचना ही है। मुझे लगता था महाराष्ट्र का जो रास्ता है वो भयंकर है, लेकिन गुजरात के जो रास्ते अभी महाभयंकर है। ये जो पॉट होल का आतंक है पूरे इंडिया में फैल चुका है आई गेस। रोड खराब है, इसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है बढ़ चुका है अभी, तो बीच बीच में ये लोग रोड का मेंटेनेंस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इन्होंने ट्रैफिक को जो है डाइवर्ट किया है। बट इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है एंटायर लाइन बन चुका है जो ट्रैफिक का, विच इज़ कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ, एक्चुअली बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इसकी वजह से। ये ट्रैफिक जो है जल्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और आपको भी क्या ये ट्रैफिक ही दिखाओ, और थोड़ी देर में जो है अभी अंधेरा हो जाएगा तो आप कुछ नहीं दिखेगा सिवाय हेडलाइट और ब्लिंकर्स के। सो, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए अपनी स्क्रीन पर और आप वो वीडियो देखें। तो फिलहाल तो इस ट्रैफिक में हम अटके हुए हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। जब तक हम फिर मिलेंगे तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मे द मिलियन डॉलर स्माइल ऑलवेज बी विद यू ऑल। जल्दी मिलेंगे अपने अगले राइड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। चांद पे पानी होता ना तो ये ऐसा ही एग्जैक्टली दिखता था, क्या मस्त रोड है।